सो गाइज, अब अपने पुश्तैनी गांव से हम निकल चुके हैं और अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। और जैसे कि आपको बताया कि आज का ब्लॉग आउटिंग ब्लॉग ही है, ठीक है। तो रास्ते की भी सारी वीडियो और सारी विजिट हम आपको दिखाते जा रहे हैं और आई होप आप सभी भी हमारे साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। और गाँव किसको नहीं प्यारा होता है ना, बचपन की यादें जुड़ी होती हैं और सब कुछ फिर से जो है वो आंखों के सामने आने लग जाता है, जो जो बीता होता है। और यही समय तो होता है जो सबसे कीमती होता है ज़िंदगी का, बचपन की यादें। तो दादाजी के यहाँ सिर्फ मैंने फर्स्ट क्लास ही की थी और उसके बाद पापा की जो जॉब ट्रांसफ़र है वो यमुनानगर हो गई थी और उसके बाद मेरी कंप्लीट स्टडी जो है वो यमुनानगर से ही हुई है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही हुई है कम्प्लीटली। तो लेकिन जैसे कि आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि मीठी मीठी यादें वो यहीं की होती है हमेशा, दादाजी के घर की, नाना जी के घर की। तो यादें जो होती है वो दिल पे हमेशा छपी रहती है और कभी मिटती नहीं है। और आज जब सब कुछ उन्हीं गलियों से मैं निकली हूँ जहाँ मैं बचपन में स्कूल जाया करती थी, दादाजी की उंगली पकड़ के घूमा करती थी, वो सब कुछ आंखों के सामने ऐसे हो रहा था जैसे कि अभी मतलब कल की बात हो, ऐसे लग रहा था। तो थोड़ी सी आंखें भी भर आई, लेकिन बस प्रे है कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें और उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। तो इंजॉय करते रहिए हमारे साथ, हम जो है वो ऑन द वे ही हैं और अब मायके जा रही हूँ मैं। आई होप आज का व्लॉग आप सभी भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। लग जाती है आपको देख के, यम्मी है। ओके, स्मॉल स्मॉल बाइट खाना। ओके, यम्मी है। आपको बर्गर बहुत टेस्टी लगता है।
तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मम्मी के घर और यहाँ पर है आप सभी के लिए एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा स्वीट सा सरप्राइज, और वो है अंशिका। तो ये है मेरी सिस्टर और ये है अंशिका। ये मेरी सिस्टर की गुड़िया है जिसने 15 दिन पहले ही इस दुनिया में कदम रखा है, अपनी नन्नी नन्नी सी आंखें खोली हैं और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। तो अब स्टार्ट होता है हमारा हैप्पी फैमिली फन टाइम। मेरे घर